वो कौन थे सीरीज के 90वें एपिसोड में आपका 8वें एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। आइए जानते हैं वो कौन थे सफेद दाढ़ी वाले तुर्क। अर्तुगरुल गाजी और उनका आपस में क्या ताल्लुक था, उनको कायम करने वाला कौन था, सफेद दाढ़ी वाले कौन थे आखिर, उनका क्या काम था। तुर्की में इनको एक्सिकल कहते हैं, जो उनका एक मुहावरा था कि ये रास्ता कहां जाता है मंजिल की तरफ, मंजिल कहां है सुर्ख सेब, किजिल इल्मा सुर्ख सेब। ये वो कोड हैं जो सफेद दाढ़ी के मुजाहिदीन और अर्तुगरुल गाजी के दरमियान होते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं और आपको कहानियां और बताऊं, उससे पहले कि हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और वो वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। कुस्तुनतुनिया में एक मीनार पर नस्ब घोड़े के मुजस्मे को इन मुजाहिदीन ने सुर्ख सेब का नाम दिया। उसको हदफ मानकर ये मुजाहिदीन इस्लाम फैले सलजूक और फिर उस्मानी सल्तनत की मदद करते रहे और खुफिया मुलाकातों के लिए उस कोड को राजदारी से फतह कुस्तुनतुनिया तक इस्तेमाल करते रहे। अर्तुगरुल गाजी में भी आरतुबे, आरिफ, इस्तीस, सारिम और आरफिन भी इसी तंजीम के मेंबर हैं। इस तंजीम के बानी एक 295 साल सहाबी थे जिनका नाम भैबे कुरकुक था। ओगोज सरदारों ने इनको सफीर बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा था। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में इस्लाम कबूल किया, जो मैंने ओगोज वाले वीडियो में बताई है, और इस्लाम लाने का शर्फ हासिल किया और ओगोज कबाइल में आपने इस्लाम फैलाया। आप सफेद दाढ़े वालों के बानी थे। दिलिस अर्तुगरुल, जिसने देखा हो वहाँ कई बार एक लफ्ज बोला जाता है, सफेद दाढ़ी वाले। दिल्ली अर्तुगरुल में सफेद दाढ़ी वालों के बारे में सुलेमान शाह, अर्तुगरुल गाजी और आरतुबे के अलावा किसी को इल्म नहीं था। हत्ता कि अर्तुगरुल गाजी का करीबी साथी तुर्गुत अलब भी इससे बेखबर होता है। या सफेद दाढ़ी वाले कौन थे, इनका काम क्या था, आइए ये भी जानने की कोशिश करते हैं कुछ रिसर्च के हवाले से। ये तुर्कों की खुफिया ताकतवर तंजीम थी जिसका बानी ओगोज खान का जानशीन भैबे कुरकुक सहाबी रसूल था। ये तंजीम बज़ाहिर गोसा नशीन थी लेकिन इनकी नज़र तुर्कों और मुस्लिम दुनिया पर थी। आशिकाने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गिरोह था जो कई सदियों तक कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की तकमील के लिए सरगर्म रहा। इस तंजीम ने अर्तुगरुल गाजी को सबूत भेजा और सुलजूकी सल्तनत को बचाने के लिए सरहद के करीब रहने पर मजबूर किया। ये एक तरह से तुर्कों की इंटेलिजेंस थी। इनका वाहिद मकसद तुर्कों को मजबूत करके मुस्लिम दुनिया को उनके कमान में लाना था। तीन हिलाले सुर्ख परचम उनका निशान था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1463 में जो किला तामीर किया वो सफ़ेद दाढ़ी वालों के निशान जैसा ही था। सफ़ेद दाढ़ी वाले उनसे दूर होते थे लेकिन मर्द इनकार तुर्कों को खुफिया मालूमात फराहम करते थे। और आज भी तुर्की के सदर के सदारती महल में जो 16 गार्ड्स उस्मानी लिबास पहने हुए सीढ़ियों पर मौजूद हैं, वो इन सफ़ेद दाढ़ी वालों की याद दहानी कराते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने ओगोज के बारे में नहीं जाना तो इस वीडियो पर क्लिक करें और अगर आप तुर्कुतलक की तारीख जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। आज की वीडियो में बस इतना ही।